मॉर्निंग एवरीवन। और अभी मैं जिम के लिए तैयार हो चुकी हूँ। अभी मेरा लिप बाम नहीं मिल रहा है। जब तक लिप बाम नहीं मिलता ना तब तक मुझे बात करने में भी शर्म होती है। बेटा वो लिप बाम ना के रूम में। और चलिए आपको बाकियों का हाल दिखाते हैं। ये है इस घर के सुबह जो हाल है वो। यहाँ पे है मिथुन, और मतलब मिथुन पूरी रात वहाँ पे था, आर्यन और मिथुन। और ये जो है ये है आर्यन। बेबी घूमो घूमू थे कि उठे चो बाबा ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाए बाबा उठता है बड़े। अभी आर्यन का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मिथुन और आर्यन यहाँ पे सोए थे आज, और मैं और ऑस्कर यहाँ पे। तो ऑस्कर का तो कुछ ठीक नहीं, कभी यहाँ पे कभी उस यार के उस पार। और अभी सुबह उठने के बाद ऑस्कर गए वॉक पे गुड्डू के साथ, और अभी मैं निकल रही हूँ जिम के लिए। तो ये है घर का पूरा हाल सुबह सुबह। और ये जो लिप बाम है ये मुझे डॉक्टर ने दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि नॉर्मल जो लिप बाम है वो आप पे काम नहीं करेगा इस टाइम में। बहुत दिन हो गया आपके साथ मैं अपना सुबह शेयर नहीं की, इतना सुबह और एक्सरसाइज भी। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा एक्सरसाइज। मेरा जो पीटी है ना वो बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा बोलती हूँ ना कि शोभन थोड़ा सा मेरे मोबाइल से मुझे शूट करो ना, तो वो मुझे शूट कर देता है। तो बहुत इजी होता है उसके साथ शूटिंग करना। अब ये है थोड़ा सा फॉग यहाँ का कम हुआ है, अदरवाइज इस टाइम में लास्ट 5-6 दिन की भी अगर बात बोलूँ तो इस टाइम में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। 9 बज चुके थे, मैं जब जिम से आती थी उस टाइम में भी कुछ दिखाई नहीं देता था। यहाँ से मतलब रोड में आप कुछ मीटर्स तक देख पाओगे, पर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था इतना ज़्यादा फॉग। अभी फॉग थोड़ा सा कम हुआ है, और अभी ठंड भी शुरू हुआ है। अच्छा ए तो चलो जल खे ना ऑस्कर। जब आप एक्सरसाइज करो ना तो उस टाइम में वो शूटिंग वूटिंग की बात याद नहीं रहता, और मैं मोबाइल साथ में लेके नहीं जाती, मोबाइल मेरे बैग में रहता है वहाँ पे। तो आज मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गया आपके साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज शेयर कर लेते हैं। कब से सोच रही थी कि हेयर कट करना है, तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ हेयर कट करने। एक्चुअली इतने दिन से मतलब जितना आप सोचो ना उतना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि क्या करूँ या ना करूँ। हेयर काफ़ी लंबा हो चुका है, पर नीचे की तरफ मतलब हेयर एंड थोड़ा सा रफ भी हो चुका है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आज फाइनली कर लेना चाहिए। ईयर एंड है, और ईयर एंड पे अगर थोड़ा सा एक नया लुक तो बनता है। तो आज मैं जा रही हूँ हेयर कट करने, और पार्क स्ट्रीट में कोई आई कैची या आई कैच, मतलब मैं आपको बाद में बताती हूँ। बुकिंग तो कर लिया है, तो उसका नाम है आई कैची या आई कैच ऐसा कुछ है। हाँ, तो सैलून का नाम है आई कैचर्स, और ये उट स्ट्रीट 6 उट स्ट्रीट में है। एक्चुअली मैं आज पहली बार जा रही हूँ वहाँ पे, मतलब इस सैलून में। मैंने सुना है मतलब इसका जो रिव्यू है बहुत अच्छा था। इवन महिमा चौधरी भी वहाँ से हेयर कट करवाई। तो इस तरह से थोड़ा सा मुझे बिलीव हो रहा है मतलब अच्छा कुछ हो सकता है। तो देखते हैं, इतने दिन बाद मैं हेयर कट कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा कहीं पे जाना चाहिए, ताकि वो दोबारा मतलब कुछ दिन बाद फिर से हेयर कट करना पर ऐसा ना हो। तो इसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं। अभी देखते हैं। लेंथ करना है मुझे इतना छोटा और एकदम स्ट्रेट राउंड। फिर भी मैं उनको एक बार पूछूंगी कि मेरे फेस में कौन सा हेयर कट अच्छा लगता है। तो इस तरह से वो लोग जो सजेस्ट करेंगे वही कुछ करूंगी, और मेरा खुद का जो प्लानिंग है वो ये। और हाँ, बॉब कट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर बॉब बहुत छोटा हो जाएगा। इतना छोटा करने का कोई मतलब नहीं बनता। लास्ट 3 घंटे से चल रहा है, तो अभी भी चल रहा है। तो इसके बाद होगा और एक कलर। अभी सबसे पहले एक ग्लोबल कलर किया गया, उसके बाद उसके ऊपर जो एक कलर चला है वो है ब्राउन, एकदम वाइट पेपर की तरह। उसके ऊपर चलेगा एक्चुअल कलर जो कि गोल्डन में है। Changed a bit in my heart. Your words have never been wrong. So guys, ये है मेरा final look। Actually ये जो setting है, ये set वो लोगों ने कम कर दिया है, पर मुझे तो ये नहीं रखना। मेरा शायद जैसे कि straight है वैसे ही रहेगा, पर ये जो highlight है ये मुझे बहुत पसंद आया। आर्यन का कोई भी एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं है, पर मैं देखना चाहूँगी, मैं शूट भी करूँगी कि घर जाने के बाद, दरवाज़ा खुलने के बाद फर्स्ट मिथुन का क्या रिएक्शन होता है और ऑस्कर क्या करते हैं मुझे देख के। मैं क्या कट करूँगी, क्या करूँगी, ये हाईलाइट वगैरह कुछ भी मिथुन को नहीं पता। मिथुन को पता था कि मैं हेयर कलर करूँगी। एक मिनट, मिथुन को ये पता था कि मैं हेयर कलर करने वाली हूँ, तो क्या करने वाली हूँ, कैसे, और स्पेशली ये जो मतलब क्या बोलूँ हेयर स्टाइल जो उन लोगों ने ऐसे कर दिया, ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इवन मैंने भी नहीं सोचा। वो लोग अपने इंस्टा के लिए मेरा हेयर, उनको बहुत अच्छा लगा तो उनके इंस्टा पेज के लिए मेरा पिक्चर ली, तो अपनी तरह से बस सजा दिया मुझे। कैमरा उस तरफ कर लेती हूँ। ऑस्कर के कारण मिथुन का रिएक्शन नहीं मिला। मैं तो ऑस्कर की तरह ऐसे जंप नहीं करूंगा। मम्मा को देखो, मम्मा को देखो। मिथुन बोल रहा है कि ये कलर है, जो कलर तुमने किया है वो कलर तक तो ठीक है, पर ये जो कर्ल जो करके दिया है था, ये इसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा मतलब और दिख रहा है। मुझे देख के लग रहा है विग पहनेंगे। अरे इनका भी वही कहना, विग पहनी है। हाँ, कलर कम्प्लीटली चेंज हो गया ना, और ऐसा कलर मुझे कभी नहीं देखा इन लोगों ने। इवन मैं अपने आप को भी ऐसा कलर कभी नहीं देखा। तो आज पूरा दिन बिना खाए रहना पड़ा। इवन एक कप कॉफ़ी तक नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों का कॉफ़ी मुझे ऑफ़र तो किया था कॉफ़ी के लिए, पर उसके बाद जब मैंने हाँ किया तो टी और कॉफ़ी के लिए, तो उनका कॉफ़ी मशीन ख़राब निकला। तो अभी टी का क्या हुआ मुझे पता नहीं, मैंने और नहीं मांगा टी, क्योंकि एटलीस्ट पूरे दिन रहने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, एटलीस्ट एक कप कॉफ़ी या टी बाहर से भी अगर आए तो बनता था, जितना मुझे लगता है। मैं इतने दिन तक जो जितने भी पार्लर में मैं गई हूँ, तो वहाँ पे अगर लॉन्ग टाइम तक कोई कैराटिन करती हूँ या रिबॉन्डिंग वगैरह करती हूँ, तो जब मैं निकली वहाँ से, तब कितने बजे हैं जब कैराटिन किया ऐसा, तो जब वहाँ से निकली तो टाइम, अभी टाइम हुआ है टाइम का तो बजे बोला था 6:20, 5:05। वहाँ पे 12 बजे मैं गई और वहाँ से निकली 5:15। अभी मतलब गैस हो गया, तो गैस का जो ढक्कन बोलते हैं वो भी आ रहा है। तो भाई यहाँ पे मेरा लंच रेडी है, तो चलिए अभी लंच कर लेते हैं। एक्चुअली ये लंच नहीं, ये है डिनर, क्योंकि इस टाइम में लोग डिनर, बहुत सारे घरों में इस टाइम में डिनर कर लेते हैं। पहले मैंने सोचा था कि घर जाके सबसे पहले मैं चाय पीऊंगी, चाय या कॉफी कुछ पीऊंगी, उसके बाद देखते हैं क्या किया जाए, पर भूख इतना ज्यादा लगा है तो अभी लगता है कि डिनर कर लेना ही बेहतर है। हमें तुम्हारा तो डिनर तुम्हारा कोई आर्यन और मिथुन अभी भी सदमे में है। कंटिन्यूसली ये लोग बोल रहे हैं कि कब ये वीक निकलोगे। उनको लगा कि ये वीक जो है कभी निकलने वाले हैं। पूरे दिन मैं थोड़ा सा भी चाय नहीं पी, तो अभी मुझे थोड़ा सा चाय 2 बिस्किट खाने का बहुत मन कर रहा है, तो अभी जाके मैं चाय बना के ले आती हूँ। और मिथुन आज मतलब अभी तक शौक में है। तुम खावे तो निस्संदेह है। चाहे आप जो भी खा ले, पर पूरे दिन में अगर आप चाय नहीं पिए तो कुछ नहीं किए। तो अभी हम हमारा चाय पी रहे हैं, और ये जो चाय है, मैं चाहे कुछ भी खा लूँ, जितना भी डाइट कर लूँ वो अलग चीज है, पर ये जो बिस्किट है, बिस्किट के साथ चाय, ये मैं कभी नहीं छोड़ सकती। ये मैं अपने पीठ को भी बोल दिया है कि जैसे बोल रहे हो वैसे करूँगी, सब कुछ ठीक है, ये खाना छोड़ूंगी, ठीक है खाना छोड़ दूंगी। कोई फेस्टिवल अभी आ रहे हैं, अभी सामने फेस्टिवल आ रहे हैं, कभी कभार अगर कुछ अच्छा बनाते तो थोड़ा सा खा लेते आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको भी टेस्ट करके बताना जरूरी है, और बाद में और नहीं खाते। तो उस हालत में भी मैं ये मैदे का जो बिस्किट है ये खाना नहीं छोड़ सकती। आज बहुत दिनों बाद मौका मिला कि हम थोड़ा सा जैकेट पहने, और आज अगर जैकेट मैं नहीं भी पहनती तो भी ज़बरदस्ती मिथुन मुझे हुडी पहनाते, बोल रहे कि अपने कान में ठंड लग जाएगी तो इसलिए हुडी पहन लो, एक्चुअली ताकि बाल दिखाई ना दे। तो अभी हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, बोल रहे थे कि मसाला वाली चाय पीना है। हाँ, ऑस्कर तो छोना बाबा, ऑस्कर आने के बाद ऑस्कर बोल रहे कि थैंक यू मम्मा, थैंक यू, मैचिंग 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 मैचिंग, आप ही हो मेरे सच्चे मम्मम। कार में फुल भर बने आ गए, फुल टैंक यूपीआई होचे तो श्योर तो देखे ना। आज पहली बार ये लिया है कि देखते ये कैसा है। इसका प्राइस है 100 रुपीज, 100 रुपीज का पानी। हाँ, और अल्कलाइन वाटर काफ़ी अच्छा होता है, और मैं इस जाने के टाइम में ये पीऊँगी। पता नहीं क्यों ड्रिंक से मेरा वो मन बिल्कुल भी नहीं भरता, जितना भी मुझे ड्रिंक तो मैं ले लूँगी। पूरे दिन बिना खाए पिए मैं ड्रिंक पी के रह सकती हूँ। और ये सारे मेरे स्मूदीज़ के लिए है। डीजल भरवाने के बाद हमें याद आया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि घर में भी नहीं है, तो चलो जाके लेके आते हैं। तो आ गई। मिथुन भी आज थोड़ा सा बोर हो रहे थे, क्योंकि मिथुन आज बैरकपुर गए थे, वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करना पड़ा, तो वहाँ पे पूरे दिन निकल गया, और मेरा पूरा दिन आज निकल गया पार्लर में। तो मुझे बोल रहा है कि चलो थोड़ा सा वो फूल भी भरवाना है, शॉपिंग के नाम पर थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो चलो शिक्षक अफगानी ड्राई फ्रूट, आलमंड फन, हाँ, आलमंड फन, पाइन एंड लेमन, ब्लैक करंट तो दो, ब्लैक करंट। আমরা এত লেট করে স্নান করেছি। And even you can give him little sponge bath. Full water bath you can give him after 3 months. मैं 2 चिकन बर्गर। अभी होगा ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ अल्कलाइन वाटर जीरो कैलोरी। ये जब मैंने लिया था ये दिखने में मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए लिया था, पर कभी ना अपने पति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं यहाँ पे चारकोल लिखा है कि नहीं, तब से बोल रहे ये चारकोल अल्कलाइन वाटर है, चारकोल अल्कलाइन वाटर। नहीं तुम गलत क्यों बोलोगे, अरे इसका गलत इन्फॉर्मेशन तुम मेरे वीडियो में क्यों दोगे। इसका अच्छा नाम मुझे मिल भी गया, दो मुझे टॉक्सिक अल्कलाइन वाटर। मार खाएगा तू, ये कंपनी वालों आके मुझे मार देगा, तुझे ऐसे देगा। बिल्कुल थम्स अप। इसका कलर है ब्लैक और इसका टेक्सचर है बिल्कुल पानी जैसा। एक्स्ट्रा की सुपर लाइट वेट फॉर्मूला से बनाया गया है। चीयर्स। अगर कभी भी कोल्ड ड्रिंक खाने का मन करे तो ये जरूर, सॉरी कभी अगर कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करे तो ये जरूर पी लेना। टेस्ट बोल के कुछ नहीं है, पानी का भी टेस्ट नहीं है। पानी तो एटलीस्ट शांति मिलती है पानी पीने से, ये तो वो भी नहीं मिलता। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, लेकिन इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। ज्यादा पियोगी ना तो। नहीं ज्यादा लिया था ये सोचे कि इसका टेस्ट अच्छा होगा। नहीं सच में मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अगर अच्छा था तो तुम्हारा वाला भी छीन के पी लेती, वो अलग बात है। और मेरा वाला भी, तुम्हारा वाला भी, हाँ वो अलग बात है। मुझे खाने और पीने में कभी शर्म नहीं आती। छीन लो डैडा से वो बोतल, छीन लो, तुमसे तुम्हें थोड़ा सा भी पानी नहीं दिया। छीन लो बेटा, मम्मा कुछ नहीं बोलेगी। देखो देखे जो गुड बॉय हो बसे पड़े जाते हो, तुम्हें दाओ डैडा दे दो ये बॉटल ऑस्कर को दे दो, छोटा सा एक नन्हा सा मुन्हा सा ऑस्कर। आजकल हम लोग ऐसे फटे हुए कपड़े ही पहनते हैं गाइस, मुझे आपको दिखाने में कोई भी शर्म नहीं। ये ऑस्कर का है और ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्कर का देन है। ऑस्कर के पापा हमें न्यू दिलवाते हैं और ऑस्कर हमें पुराना पहनाते हैं। तो गाइस चलिए अभी सोने का टाइम है, अभी हम डिनर कर चुके, मतलब मेरा तो डिनर हो चुका था और मिथुन ने एक रोटी खाए। मिथुन रोटी खाए किस क्या चना नहीं मोटोरे डाल। तो ये रहा हमारा आज का इवनिंग, मतलब सुबह से इवनिंग तक इतना ज्यादा टाइम वहाँ पे बीत गया कि और मन नहीं किया। तो बाय द वे चलिए, आई होप कि मेरा ये जो हेयर कलर है और जो हेयर स्टाइल आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। कल ही आप में से आधे से ज्यादा लोग चले जाएंगे ये करवाने। तो बाय द वे कल ये जो स्टाइल है इसके अलावा भी और भी एक स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपने हेयर कल वॉश करने वाली हूँ। हेयर वॉश करने के बाद वो ही स्ट्रेट वाला हेयर आ जाएगा, तब देखना कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ड्रीम स्वीट ड्रीम्स। नहीं हमेशा ऐसे ही देते हैं।